हम बात कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं या क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमने देखा पहला था एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर इन दोनों के क्लासिफिकेशन के बारे में भी वन बाई वन पढ़ेंगे। तो यदि हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमें मेजर करनी है उसको उस इंस्ट्रूमेंट में दिया जाएगा, ठीक है, एज ए इनपुट, और वो हमें आउटपुट किस फॉर्म में देगा, फिजिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में। फिजिकल कॉन्स्टेंट क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट का फिजिकल कॉन्स्टेंट। तो हमें फिजिकल कॉन्स्टेंट को फिर उस न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस भी वैल्यू को हमें मेजर करना है उस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, क्योंकि फिजिकल कॉन्स्टेंट के रूप में हमें मिल रहा है, जैसे मान लो टेंजेंट हो गया, ठीक है, एंगल हो गया, एंगल कितना आया, मतलब जैसे मान लो मैंने 2 एम्पियर करंट दी, 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, मैंने 4 एम्पियर करंट दी, 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो वो एज ए डिग्री आउटपुट देगा। उस डिग्री को हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एम्पियर्स में, वो कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे, उससे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में, तो जनरली ये यूज़ में नहीं आ रहे हैं आजकल। इसके यदि हम एग्जांपल देखें तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजरमेंट करना। करंट मेजरमेंट करने में क्या होगा कि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है वो आउटपुट किस फॉर्म में देगा, एक टेंजेंट के रूप में देगा, ठीक है, तो वो उस टेंजेंट मतलब स्लोप देगा, ठीक है, उस स्लोप को फिर हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, जिस भी क्वांटिटी को हमने मेजर किया है उस फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करके या मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके इसकी एक्चुअल वैल्यू, चाहे एम्पियर है चाहे वोल्टेज है, उसमें कन्वर्ट करके काम में लेते हैं, ठीक है। इस तरह इसमें मेजर किया जा सकता है। इसके ड्रॉबैक यही है कि जो वैल्यू हमें मेजर करनी है, चाहे करंट है चाहे वोल्टेज है चाहे पावर है या कुछ और पावर फैक्टर है, वो उसी फॉर्म में आउटपुट नहीं देता है, वो एक फिजिकल कॉन्स्टेंट के रूप में आउटपुट देता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमें मेजर करनी है उसे एज इनपुट दिया जाता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमें उसी फॉर्म में मिलता है जिस फॉर्म में हमने इनपुट इसको दिया है। यदि करंट इनपुट दिया तो करंट के फॉर्म में ही आउटपुट देगा, वोल्टेज इनपुट दिया तो वोल्टेज के फॉर्म में ही आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हमें जो है मेजरमेंट मिल जाता है, इसमें कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का ड्रॉबैक था वो यहाँ पे ओवरकम हो जाता है सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट वही वैल्यू मेजर करके देता है, उसी फॉर्म में देता है जो वैल्यू हमने इनपुट पे मेजर करने के लिए दी है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट्स को भी 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला टाइप है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। इन 2 टाइप के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें हमें न्यूमेरिक वैल्यू ही डायरेक्ट दिखती है, मतलब स्क्रीन पे जो वैल्यू मान लो 2 एम्पियर है तो वहाँ पे 2 शो हो रहा होगा, 4 एम्पियर तो 4 शो हो रहा होगा, तो वहाँ एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ही शो हो रही होती है डिजिट्स के अंदर, तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एरर रीडिंग लेने में कोई भी ह्यूमन एरर नहीं आती है, ठीक है। जबकि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसकी यदि हम बात करें तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वैल्यू है वो पॉइंटर द्वारा शो की जाती है, मतलब पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। पॉइंटर जहाँ डिफ्लेक्ट करके रुकता है उसे हमें ही देखना पड़ता है कि किस पॉइंट पे वो रुका है, वो पॉइंट हम पॉइंट नोट आउट करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है वो वैल्यू उसके आउटपुट में आती है। उसमें न्यूमेरिक वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दिखती है, उसमें पॉइंटर से डिफ्लेक्शन के थ्रू हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है कि पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट किया है, किस वैल्यू पे जाके वो रुका है, तो वहाँ पे ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। यदि हम बात करें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की तो उसको भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट।
यदि हम नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, दो क्वांटिटीज होती है, ठीक है, उन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। एक होती है नॉन क्वांटिटी, एक होती है अननोन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता होती है और अननोन क्वांटिटी जो हमें मेजर करनी होती है वो होती है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कराया जाता है। कंपेयर कराने पर जब मीटर जीरो रीडिंग शो करता है तो हमें पता चल जाता है कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू नॉन क्वांटिटी की इक्वल हो गई है, ठीक है। अननोन क्वांटिटी की वैल्यू नॉन क्वांटिटी के इक्वल हो गई है तो यहाँ पे वो रीडिंग की वैल्यू में पता चल जाती है कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है। इसमें यदि एग्जांपल देखें तो पोटेंशियोमीटर इसका एग्जांपल है, कैलोनोमीटर भी इसका एग्जांपल है। कैलोनोमीटर हम ब्रिजेस में यूज करते हैं जहाँ पे कैलोनोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। डिटेक्टर एज ए डिटेक्टर यूज किया जाता है। उसमें ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, जीरो रीडिंग शो करता है तो वो कंपेयर ही कर रहा होता है दो वैल्यूज को, ठीक है। और कंपैरिजन में जब वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे जीरो शो होता है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, उससे अननोन वैल्यू की जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बात की एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की, उस पर हमने क्या बोला कि एज अ पॉइंटर वो उसको शो कर देता है कितनी वैल्यू आई है। तो डिफ्लेक्शन टाइप में भी सेम वही फिनोमिना है कि जो पॉइंटर है वो उसकी स्केल पे वैल्यू शो कर देगा कि इतनी वैल्यू उसकी है। तो इसमें पॉइंटर के थ्रू वैल्यू पता चलती है, जबकि नल टाइप में क्या होता है कि वो कंपैरिजन करके जीरो वैल्यू आती है। वहाँ पे हमें वैल्यू सिर्फ नॉन क्वांटिटी की पता होती है, उससे हमें पता चलता है कि अच्छा अननोन क्वांटिटी की वैल्यू भी इतनी होगी। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन टाइप में क्या होगा कि वैल्यू जो है वो पॉइंटर के थ्रू शो होती है, जो पॉइंटर कहाँ लगा होता है, कैलिब्रेटेड स्केल पर। डिवाइड किया जाता है तीन टाइप में, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को भी तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, और फर्स्ट इंडिकेटिंग, सेकंड इंडिकेटिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग टाइप। वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करते हैं। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो वैल्यू हम मेजर करने के लिए इनपुट में देते हैं उस वैल्यू को वो इंडिकेट करता है, मतलब उसको पॉइंटर के थ्रू हमें शो करता है कि इतनी वैल्यू वो है। यदि इसका एग्जांपल ले तो वोल्ट मीटर भी हमने देखा हुआ है, एमीटर भी हमने देखा हुआ है, पावर फैक्टर मीटर में भी क्या होता है सेम, कि वो पॉइंटर के थ्रू हमें इंडिकेट कर देता है कितनी वैल्यू होती है। जबकि इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, मतलब कुछ टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी उसने टोटल कंज्यूम की है, ठीक है, टोटल कितनी एनर्जी सप्लाई की है, वो वैल्यू हमें शो करता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। उसमें यदि हम देखें तो हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर होते हैं या वाट आवर मीटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, हमारे जो बिल आता है वो एनर्जी कंज्यूम भी आता है, ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वो एनर्जी कंज्यूम वैल्यू शो करता है। तो इंटीग्रेटिंग में क्या होता है, सिर्फ इंडिकेट ही नहीं करता, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एनर्जी सप्लाई जो है वो शो करता है। तो इसके एग्जांपल एनर्जी मीटर, वाट आवर मीटर, ये दोनों हो सकते हैं। थर्ड है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की जो वैल्यू है उसको तो शो कर ही रहा होगा, प्लस जो वैल्यू कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, वो भी हमें एज ए ग्राफ वो शो करता है, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है कि जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में उसकी वैल्यू चेंज होने के ग्राफ को भी वो दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यदि हम देखें हॉस्पिटल्स में जो होते हैं, उसमें हमारी हार्ट बीट भी क्लियर नज़र आ रही थी कि हार्ट बीट ऊपर जा रही है, नीचे हो रही है, फ्लैट होता है, कभी पीक टॉप होता है, कभी लोवेस्ट टॉप होता है, ठीक है। तो एज ए ग्राफ हमें शो कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट।